applause. Didn't even get to cross. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अकरम मोडिफिकेशन। तो गाइस, आज की हमारी जो वीडियो होगी वो बाइक के साइलेंसर के ऊपर होगी। यानी आज हम अपने पुराने वाले जो साइलेंसर को रिमूव करके नए वाला साइलेंसर यानी मॉडिफाइड साइलेंसर को जो इंस्टॉल करने वाले हैं, अगर आप अपने बाइक का साउंड जो चेंज करना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। तो गाइज़, मैंने इस साइलेंसर को बनाने के लिए क्या क्या किया आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको लेना है एक साइलेंसर, ये देख सकते हैं, ये छोटा सा साइलेंसर है, एक फुट के लगभग है। और यहाँ पे आगे मैंने एक जो है बैंड को जो है वेल्ड करवा दिया है, और इसकी जो लेंथ है वो मैंने जानबूझकर जो है छोटी रखी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से यहाँ पे वेल्ड करवा लिया है। और ये जो बैंड आप देख रहे हैं ये डिलक्स का है। अगर आप स्प्लेंडर में इंस्टॉल करवा रहे हैं तो यही बैंड लगने वाला है, और डिलक्स में लगा रहे हैं तो भी यही बैंड लगने वाला है। यानी स्प्लेंडर और डिलक्स का जो बैंड है वो सेम होता है। तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप का जो साइलेंसर मैंने तैयार करवाया है। और ये मैंने बाहर मार्केट से लिया है, ऑनलाइन परचेज नहीं किया है। इसका ऑनलाइन परचेजिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इसको जो खरीद सकते हैं। और इसकी जो एक्स्ट्रा क्लिप है वो मैंने काट दी है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, वेल्ड कैसे हुआ कैसे मैंने इसको फिर वो एक्स्ट्रा है यार, देखो उससे आपका जो टाइम वेस्ट होने वाला है। आप सीधा टॉपिक पे आते हैं, इसके साथ साथ हमको देखने को क्या मिलता है, इसके साथ साथ हमको थोड़ी बहुत एक्सेसरी देखने को मिलती है। मैं आगे वो दिखा दूँगा आपको किस टाइप की एक्सेसरी देखने को मिलती है। ये देखिए, ये एक पत्ती मिलती है और इसके साथ एक बैंड मिलता है, यानी जो हमारा साइलेंसर के साथ अटैच होने वाला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये कुछ इस टाइप का बैंड है, ये इंस्टॉल करने वाला है अपने बाइक के अंदर। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं, सीधा वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हमने इसको जो इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के लिए हमको पहले वाला जो साइलेंसर है उसको रिमूव करना होगा। तो मैंने पहले ही रिमूव कर लिया है ताकि वीडियो लंबी ना हो, जो आपको पता है आपका टाइम वेस्ट देखो यार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं। आपको मेन किससे काम है, साइलेंसर से या साइलेंसर की साउंड कैसी है उससे, वो आगे हम आपको दिखा देंगे। तो पहले वाला साइलेंसर मैंने रिमूव कर लिया है और अब हम नए वाला साइलेंसर को इंस्टॉल कर लेते हैं। दो नट आपने टाइट करने हैं, तो चलिए मैं लगा लेता हूँ साइलेंसर, उसके बाद आप उसकी साउंड और साइलेंसर में आपको दिखाता हूँ किस टाइप का वो साइलेंसर है, कैसी उसकी साउंड है। तो गाइज़ ये देखिए, मैंने इसको यहाँ पे इस टाइप से जो इंस्टॉल किया, और कोई भी पत्ती का इंस्टॉलेशन नहीं किया, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत ही सॉलिड, और यहाँ पे ना कोई पैर रखने वाला, और यहाँ पे ना ही हमारा जो साइलेंसर जो है हिलने वाला, और ना ही किक में ये जो है कोई अड़चन पैदा करने वाला है। तो यहाँ पे बिल्कुल एडजस्ट लगा हुआ, और यहाँ पे कूल लगेगा भाई साहब, एकदम कूल लगा हुआ। और इसकी साउंड कैसी है वो भी चलिए मैं आपको सुना देता हूँ कि ये किस टाइप के जो साउंड करता है और किस टाइप के जो बेस है हमको दे पाता है। तो चलिए मैं एक बार बाइक को जो है स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करते ही आपको साउंड सुनाता हूँ। तो गाइज़, अभी जो आपने ये साउंड सुनी है ना, तो ये एक बंद कमरे में थी, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा लग रही होगी। और अब मैं आपको इसकी जो साउंड सुनाने वाला हूँ, एक खुले एरिया में हम आ चुके हैं, यहाँ पे इसकी जो एक्चुअली साउंड कैसी है वो आपको पता चलेगा कि आपको ये साउंड पसंद आती है नहीं आती। तो चलिए उसकी भी साउंड मैं आपको एक बार अच्छे से सुना देता हूँ कि कैसे इसके जो खुले इलाके में जो साउंड होने वाली है।
तो गाइज ये था इसका साउंड, आपको कैसा लगा है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और गाइज इस साउंड के अंदर ना बेस बहुत हाई है, अगर आप बेस पसंद करते हैं अपने बाइक के साइलेंसर में तो ये साइलेंसर आपके लिए, आप इसको ज़रूर परचेज़ कीजिएगा, क्योंकि इसकी जो बेस है वो काफ़ी अच्छी लगी है मुझे। तो मुझे तो बेस के लिए एक साइलेंसर चाहिए था जो कि मैंने ले लिया है। तो अगर आपने इसको ख़रीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक रहेगा, वहाँ पर जाकर आप इसको ख़रीद सकते हैं, यानी वीडियो के नीचे। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, साइलेंसर कैसे लगा उसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।